हेलो वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे भारत। आप सभी प्यारे दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार। आज है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार मंडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति, रेमंड वीकली क्विज के राइट आंसर। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी प्रेस करें, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट द्वारा अपनी राय भी अवश्य दें वीडियो के बारे में। और आप हमारे साथ आज रात 9 बजे भी जुड़ सकते हैं KBC प्ले अलोंग क्विज का सुपर फास्ट लाइव राइट आंसर पाने के लिए। और जिन्होंने IDSC फटप्रिंट डेली ऑफलाइन क्विज नहीं खेला हो, हमारे चैनल में वीडियो डल चुकी है, आप आंसर देख करके नोट करके खेल लीजिएगा और अपने स्कोर में अतिरिक्त अंक जोड़ सकते हैं 500 पॉइंट्स। तो अब डिस्कस करते हैं रेमंड वीकली क्विज, जो हर सप्ताह सोमवार के दिन ही पूछा जाता है। रेमंड वीकली क्विज का पहला सवाल पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य जोड़े गए। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे 17, ऑप्शन बी में 17 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। सही जवाब रेमंड वीकली क्विज का दूसरा सवाल, बैंकिंग के संदर्भ में PCR का क्या अर्थ है। प्रावधान कवरेज अनुपात, प्रावधान कवरेज अनुपात ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट। सही जवाब। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है रेमंड वीकली क्विज का, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी लिपि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट। सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल पूछा जा रहा है रेमंड क्विज का, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, सरोजनी नायडू ऑप्शन बी। सही जवाब। पांचवा सवाल पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ग्रीनलैंड ऑप्शन सी। सही जवाब। सही जवाब हो चुका है। छठा सवाल पूछा जा रहा है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, पोटेशियम का रासायन। सही जवाब। पहले छठे का ऑप्शन ए। सातवां सवाल पूछा जा रहा है, भारत में गृह मामलों के मंत्री कौन है। अमित शाह, सातवें का अमित शाह। सही जवाब। आठवां सवाल पूछा जा रहा है, बनारस में आलमगीर मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था, ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवें का सही जवाब। रेमंड वीकली क्विज का नौवां सवाल पूछा जा रहा है, टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन 1912 में डूबा था टाइटैनिक, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, नौवें का ऑप्शन सी। सही जवाब। दसवां सवाल पूछा जा रहा है रेमंड वीकली क्विज का, फाइनल क्वेश्चन है ये, इनमें से किसे विंटर प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति के साथ जाएंगे। सही जवाब। ये थे हमारे रेमंड वीकली क्विज के सही आंसर। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।